जल्दी संग छोड़ के भाग। जोरदार ताली से स्वागत करीजिए हमनी के विजय पत्रधारी प्रियंका और मोहन राठौर के। और अब हम चाहतनी कि रिजल्ट के घड़ी आ गई बा। मनोज जी एक बात और खास है जी, थोड़ा सा पीछे जाएं हम लोग स्व संग्राम के इतिहास में, जब हम 12 गायकों को लोए करके आए थे, 6 यूपी के और 6 बिहार के। उस समय बिहार में नारी शक्ति का वर्चस्व था, 5 लड़कियां थीं और अकेले आलोक थे। उन 5ों में प्रियंका आज यहां तक पहुंची है, मुझे लगता है इसके लिए भी जोरदार ताली, क्योंकि उस समय हम लोग को लगता था कि इतनी सारी नारी शक्ति है उसमें आलोक, लेकिन आलोक ने अपनी एक अलग, जैसे सूरज की एक अलग अपनी रौनक अपनी जगह है, लेकिन वहीं प्रियंका उनमें धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं ना चुपके से आकर कोई एकदम से सामने छा जाए, वैसा प्रियंका का अपना वो रहा है। मुझे लगता है आज के दिन बिल्कुल मुझे याद आ गए कि ज्योति साहू, छवि पांडे, बहुत अच्छा पूजा जो यहाँ पर बेसुध होकर के गिर गई, पूजा झा और रीमा जिनका ब्याह हुआ पिछले एपिसोड में, आज उन सभी का ख्याल आ रहा था। और मुझे लगता है वो चारों आज घर में अपने अपने ये कार्यक्रम देख रही होंगी। तो प्रियंका आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि कम से कम बिहार आप या लोग कोई भी जीत करके बाजी आपके हाथ में। बहुत अच्छा बात कहनी कि जब बिहार में 5 गो लड़की रही सन तो कहात रहे कि नारी शक्ति 5 एगो अनाड़ी शक्ति रहने। वो अनाड़ी शक्ति अभिनो अपन काम कर रहा बा। आलोक चौने तरह से आज तक कहीं गाना नहीं खंगौले, कीर्तन करत करत आज यहाँ तक पहुँच गई बाड़ा। तो हम ये कहब कि एक अनाड़ी लड़का में भी आज सुर के बड़ी भारी शक्ति आ गई बाटे। हमें शक्ति के घमासान के देखाइब, लोगन के निर्णय के दौर में ले जाइब कि अपन कार्यक्रम सुर संग्राम। आज हमने सुर संग्राम के ए एपिसोड में जहां हमने के टॉप 4 चुनने वाला बानी जा, काफी करीब आ गए बड़े ये लोग। ए 5 लोगन में से 3 लोगन के पुरस्कार मिली। आज जे एगो बाहर हो जाई ओकरे बाद सिर्फ 4 लोग बच जई हैं, और जे उत्तर प्रदेश बिहार के टॉप 4 में आई, इतना कड़ा निर्णय, इतना कड़ा मार्किंग के बावजूद तो हमनी के माने के पड़ी कि 4 गो सही मायने में हमनी के रत्न वाला जौन हमनी के राजा विश्वकर्मा सुर संग्राम के समुद्र मंथन से पौले बानी जा। हमरे हाथ में रिजल्ट आ गिल बाटे और यह रिजल्ट में ये लिखल बा कि केकर सफर आज रुक जाई। आलोक पांडे, आलोक कुमार और अनामिका सिंह। अनामिका तोहके कितना नंबर मिलल बाटे? 35। कल्पना जी से। आलोक तोहके 40। और आलोक जी तोहरा के 37। दो लोगन के डिसाइड मालनी जी के नंबर करी और इनकर डिसाइड कि आज ई रही हैं या जई हैं, ये कल्पना जी के नंबर करी और वो नंबर हमारे पास आ गए बटे और हम ओकरा के अब खोले जा रहल बने। लोक पांडे, आलोक पांडे आपके बहुत बधाई हो, आप वापस टॉप 4 में आप जगह बना ले बनी और आपकी माई बाबूजी के पहलू कले रही आशीर्वाद रुवा के लग रहल बा। रुवा के कल्पना जी नंबर देनी 39 और मालिनी जी एक को नंबर कम नहीं केली, उहो के देनी 39 और 39 के साथ आप 78 नंबर के साथ आप टॉप 4 में जगह बना ले बनी राजा बिस्कुट सुर संग्राम में। और हमनी के चाहत नहीं जा कि आप अपन भावना व्यक्त कर सकीला। हम खुश बाने कि हम आगे बढ़ गए, अपन धीरे धीरे प्रयास करत रहनी है, जैसे जैसे हौसला मिलत गया उससे प्रयास अपन करत रहनी है और करत भी रह, आगे भी हमारा अभी मेहनत करे के बाद। और दुख भी बहुत बाटे कि हमनी के जे भी साथ में गवले बन, सब लोग अच्छा गावेला, हमनी के जौन भी दोस्त मारे भाई बन बहन बालो सब लोग अच्छा गावेला,
कोई भी जाए तो जितना खुश हुई उससे ज्यादा हमारा तकलीफ भी हुई कि हमने चली। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जाके अपने जगह पे आप विराजमान हो जाएं। आज जो सदमा लगे वाला बा ओकरो कोनो जोड़ नहीं खे और सदमा आलोक जी अनामिका कैसन गौली आज आपके निगाह में? अच्छा गौली। देखिए आपके जो नंबर मिलल बा मालिनी जी के वो तो बहुत अच्छा बा, और इनके जो नंबर मिलल बाटे कल्पना जी के वो आपसे जरूर दो अंक कम बा जी। लेकिन अगर कहीं जैसे मालिनी जी अनामिका के फैन बहो गेल बाड़ी और जैसे तारीफ कैली है हो सकला कि उनके हड़हड़ा के अच्छा नंबर दे देले होके, नहीं हो सकेला? हाँ हो सकेला। हो सकेला? हो भी सकेला, नहीं के भी हो सकेला। नहीं के भी हो सकत। अनामिका तोहके का लगत अटे? देख नंबर में तो तू थोड़ा सा जो नंबर स्पष्ट में ओकरा में तू पीछे बाड़ू, लेकिन तोहके लागत कि मालिनी जी के नंबर तोहके बचा ली? अब कुछ ऐसा कहते कहे कि आलोक भी बहुत अच्छा गाए हैं तो हम कैसे कह दी, और दोनों जन के नंबर के जोड़ के रिजल्ट आई तो कुछ भी हो सके ना। अगर तुम्हारा आज रास्ता रुक जाए तो तुझे कैसा लगी? अगर हम यहाँ से आज चल जाब तो कोनो बात नहीं बा, और हम यहाँ तक पहुँचे ये बहुत बड़ी बात बा। यहाँ हमके इतना कुछ सीखे के मिलल, आप सबके प्यार मिलल, सबके सहयोग मिलल, और का चाहिए हमके। आज हमनी के राजा बिस्किट सुर संग्राम में जेकर सफर रुक गइल बा ओकर नाम बटे ए बात के बड़ी घमासान बा कि कौने प्रदेश के लड़का भोजपुरी संगीत के महासंग्राम के दावेदार बनी के सिरमौर बनी। आज अनामिका ओ पदवी के पावे से चूक गइलस। इनकर मम्मी भी बैठल बाड़ी। आलोक जी जोरदार ताली स्वागत करें जा, आलोक जी जाके अपने सीट पर बैठ जा। वापसी के कदम भी इतना धीमे धीमे जा रहल बटे आलोक के, एकर मतलब कि ई लड़का बहुत बड़ा सदमा से वापस आइल बा, और हम चाहतनी कि अनामिका के मम्मी हमारे साथ मंच पे आ जाती तो आज बहुत अच्छा हो। जोरदार ताली से स्वागत करेगा ओह माँ के जवन हर पल अपने बेटी के साथ खड़ा रहल बड़ी, और आज अनामिका अपन आंसू रोके के कोशिश करतिया। अनामिका कहे चाहते हम बहुत बहुत धन्यवाद देव साईं बाबा के और महुआ चैनल के जेसुर संग्राम जैसन प्रोग्राम करा के इतने कलाकारन के मौका दें, और हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सब के, आप सब जज लोग के, कि हमें हमार कमी पता लगल, और कमी पता लगल बहुत अच्छी बात बा। और अगर आज हम यहाँ तक पहुँची है तो उनमें उनकर बहुत बड़ा योगदान बा, कहे कि गावे ले सब लेकिन उनमें का बारीकी हो चाहे का कमी बा, का चीज़ अच्छे लेवे पे वो चीज़ और अच्छा हो जाला, ये हमके यहाँ पे सीखे के मिलल। और हमारे जो वादक कलाकार हैं सब, हमारे जो भी गीत बढ़िया भइल बा सब, उनमें इनकर बहुत बड़ा हाथ बा, तो हम सबके धन्यवाद करब, और कोनो अगर गलती हुई तो हमके क्षमा करिए। और आप सबके, आप सब पार्टिसिपेंट्स के, आप सबके हम बहुत याद करब। अगर दुख बात तो ये कि दुख बा कि आप सबके हम बहुत याद करब। बिटिया के विदाई हो गई, विदाई अच्छी हो दो भैया, विदाई अच्छी बा। अगर विदाई शुरू हो गई तो विदाई खलक
ये तो विदाई लंबा सफर लड़के और अच्छा ममता प्यार दुलार बहुत कुछ पाए की जात बा भैया, बहुत कुछ पाएगा, मान सम्मान यहाँ तक आए। बम्बई में तो एक परिवार मिला है के बाद, पहले बम्बई में गया बहुत डर लगत रहा, जब तो आई तो खाली आप ही जानत रही बम्बई में, आप ही मिले ना आप ही रहा कि आप ही जानत रही, बाकी तो यहाँ मालनी दीदी मिली, कल्पना दीदी मिली, बाकी तो यहाँ साई परिवार पूरा मिल गया, अब कौन चिंता बम्बई अपन बा। आगे फिर आपके बुलावल जाए कौनों का रियलिटी शो में तरुआ आई अपने बेटी के लेके? एकदम बढ़िया आई। मालनी जी बहुत दुखी लगा था नहीं? देखिए वो तो जज हैं और एक माँ भी हैं, उनके एक माँ की तरह भी दुख लागत बा, और ये भी है कि जिस बच्चों के साथ लोग ये लोग रहती हैं आज भी एक एक बच्चा करके जाएगा तो दुख होगा, वो स्वाभाविक है। देखिए टॉप फाइव में आने के बाद जो भी जाएगा बेहतरीन ही जाएगा, ये बात सभी को पता है, घर बैठे दर्शकों को पता है, लेकिन अब अनामिका जा रही है तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि सारी फीमेल कॉन्टेस्टेंट्स में आप मेरी फेवरेट थी, मैं कहीं ना कहीं आप में अपनी छवि देखती थी, और उसका कारण था कि आपकी शालीनता, आपके गानों का चयन, एक कहीं ना कहीं एक ऐसी कोमलता, संकोच और साथ में साया की तरह से आपकी माँ का साथ हमेशा रहना, कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझको बिल्कुल जो गंगा जमनी माटी की हम लोग बात करते हैं, आप सुल्तानपुर की हैं, मैं भी लखनऊ की अवध की हूँ, एक ज़रूर मानसिक लगाव मैं कहूँगी, और एक बड़ी एक हर रियलिटी शो में ये फॉर्मेट है क्योंकि ये अंतत्वगत्व गाने का शो है, लेकिन एक गेम भी है जिसमें ऐसे 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 सीढ़ी पे कोई एक ही चढ़ पाएगा आखिर में, इसका मतलब ये नहीं कि जो नीचे रह रहे वो कम योग्य थे, मुझे नहीं मैं भी आपकी थकन को देख रही हूँ, सिलेक्शन मुश्किल से याद है आपको ना, इनके कदम तभी से डगमगा रहे थे, और जो अभी इनके परफॉर्मेंसेस में थोड़ी एक कॉन्फिडेंस आया था पिछले 5-6, वो शायद ये कि वो डर निकल गया था कि वे आउट ही तो होंगे और क्या हो जाएगा, जिस कॉन्टेस्टेंट के मन से ये जाए सोच गया कह करके विदा लेते जो बोला है, इतनी कम उम्र में ऐसी मानसिक परिपक्वता, इतनी खुशी से विदाई, माँ की सीखो कि विदाई हमेशा होती है, तो बहुत आगे जाओगी, और बेटियों का बेटा जिस घर जाए उस घर को खुशहाल बना, मैं आशा करती हूँ कि तुमको एक ऐसा ससुराल साथी मिले, तुम्हारे गाने को चांद लगाए, खूब नाम कमाओ, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करो। कल्पना जी कुछ शब्द अनामिका खाते? कुछ बाकी नहीं रहा, मैं क्या बोलूं मनोज जी, मैं बस मुझे अनामिका एक बात बहुत अच्छा लगा, हम लोग गाते हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो दूसरी बात है, लास्ट एपिसोड में भी मैंने बोला तुम इतने मैच्योर हो, तुम्हारी जो परिपक्वता के बारे में बोला आपने, यू आर वेरी मैच्योर, और इतनी कम उम्र में तुमको इतनी समझ है, जिस तरह से तुम बात को प्रस्तुत करती हो ये बात मुझे भी नहीं है, तुम इतने अच्छे से बोल देती हो, और मम्मी ने तुम्हें सिखाया, और कहीं से मुझे भी वो बात सीखने को मिला तुमसे अनामिका, और आज तुमने बहुत बढ़िया गाया, और ये कहीं कभी नहीं मानना कि ये आखिरी मंच है, कैरियर का एक पड़ाव है, ये आगे बहुत लंबा जाना तो है ही, बस कल जैसे तुम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाओगी, परसों कहीं शो होगा, सुर संग्राम भी ऐसा ही एक हिस्सा था, इसको बस ऐसे ही देखो। कल्पना जी 35 नंबर दे रही हैं और मालनी जी अनामिका के 36 नंबर दे रही, और 36 और 35 71 नंबर के साथ आज इनके विदा कहे के पड़ी, तो हम चाहता नहीं कि वो गाना कबो तू गौले रह लू, अगर वह गाना गा के हमके सुना के जा, हमके बड़ा अच्छा गाना लग रहा, पता नहीं कब सुन ले रहनी, कि बाबा निमिया के पेड़ जनी काट चिड़ैया कुली उड़ी जइहे हो, अगर वो गाना आज सुना देबू तो हमनी के राजा बिस्किट सुर संग्राम के विराम बहुत अच्छा होई, और हमनी के वही गीत के साथ आप लोगन के प्यार और दुआ लेके
फिर आपसे मिलल जाई अगला शनिवार के, फिर हमनी के मिलल जाई शनिवार के, जहां फिर से एगो नई व्यूह रचना हुई। आज हमरा के विदा देव और आप अनामिका के गीतन के संगे खत्म कर। बाबा निमिया के पेड़ जिन कटिया, निमिया चिड़ैया के बसेरे बलैया ले जिन कटी हाँ, निमिया चिड़ैया के बसेरे बलैया ले वीरान की। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जाई है, बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जाई है, रही जाई है पर दिन हमनी के गो योद्धा कम हो जा रहल बाड़े। अब बच गेल बाड़े चार योद्धा और हमनी के वही लोगन के संगे संग्राम के आखिरी सुर संग्राम के आखिरी महासंग्राम शुरू होई। हम आप लोगों से फिर मिलब शनिवार के, तब तक हमरा के विदा देव जा। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।